नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन टॉयलेट सीट है और ये वेस्टर्न टॉयलेट सीट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें टॉयलेट रूम बनाते समय कौन सा कमोड लगाना चाहिए, वेस्टर्न या फिर इंडियन। तो सबसे पहले यूरोपियन टॉयलेट सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन टॉयलेट सीट पे कुछ इस तरीके से कुर्सी की तरह, जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से यूरोपियन टॉयलेट सीट पर बैठा जाता है, जिससे बॉडी का ढेर सारा पार्ट कमोड के टच में रहता है। तो ऐसे में यूरोपियन टॉयलेट सीट द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि एक ने कमोड का उपयोग किया तो दूसरा जब आएगा तो दूसरा भी उसी पर बैठेगा, तो इससे क्या होगा कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और वहीं यदि हम इंडियन टॉयलेट सीट की बात करें तो भाई साहब, इस पर केवल और केवल इंसान अपना पैर रख कर बैठता है और इसके साथ साथ पैर में भी चप्पल पहने रहता है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा किसी भी तरीके से नहीं होता भाई साहब, 0% संक्रमण आप समझ सकते हो। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो यूरोपियन टॉयलेट सीट पे आप रिलैक्स मोड पर बैठते हो, तो ऐसे में सफाई होने में आपका 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। और वहीं यदि हम इंडियन टॉयलेट सीट की बात करें तो जब आप इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते हो तो आपके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो पेट है वो काफ़ी जल्दी साफ होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो उस सिचुएशन में यदि आप वेस्टर्न टॉयलेट सीट उपयोग करते हैं तो आपके घुटने पर किसी भी तरह का लोड नहीं जाएगा और आपका घुटना किसी भी तरीके से इंजर्ड, यानी कि उसमें किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी। और वहीं यदि आपके घुटने में किसी भी तरह की दिक्कत है और आप इंडियन टॉयलेट सीट का उपयोग करते हो तो आपके घुटने में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप इंडियन टॉयलेट सीट पर बैठते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है वो आपके घुटने पर जाता है, तो ऐसे में यदि घुटने पर लोड आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके घुटने की जो इंजरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यदि हम कुछ टेक्निकल पॉइंट की बात करें, यदि आप इंडियन टॉयलेट सीट लगा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंडियन टॉयलेट सीट के 2 साइज़ देखने को मिल जाएंगे। पहला 24 इंच बाई 18 इंच, दूसरा 20 इंच बाई 15 इंच। तो आपको 20 इंच बाई 15 इंच की सीट का उपयोग करना चाहिए, यानी कि 20 इंच बाई 50 इंच की सीट को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सीट छोटी होती है और छोटी होने के साथ साथ इसका क्लीनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि जब आप फ्लश करोगे सीट छोटी होगी तो ऐसी सिचुएशन में फ्लश का जो पानी हो बहुत ही प्रेशर के साथ आपकी सीट पर चारों तरफ फैलेगा और आपका सीट बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा। और वहीं यदि आप ज़्यादा बड़ी सीट ले लोगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और क्लीन करने में आपको डबल फ्लश करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि हम यूरोपियन टॉयलेट सीट की बात करें तो इसको लेते समय आपको एक चीज़ जरूर से ज़रूर चेक करना चाहिए कि इसका जो हाइट है वो 17 इंच से लेकर 19 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे बेस्ट यही होगा कि आप 17 इंच का उपयोग करिए, क्योंकि यदि हम डॉक्टर की माने तो जो कम हाइट की सीट होती है वो मेडिकल दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे में आप 17 इंच से लेकर 19 इंच के बीच की हाइट की जो सीट होगी उसी का उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हम टॉयलेट सीट लगा रहे हैं तो हमें वेस्टर्न या फिर इंडियन कौन सी लगानी चाहिए। तो भाई साहब, प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आदमी किसी भी एक सीट के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्रत्येक घर में आपको घुटने के पेशेंट मिल जाएंगे या फिर किसी का शरीर बहुत भारी हो गया तो वो नीचे नहीं बैठ पाता, तो ऐसे में यदि आप इंडियन टॉयलेट सीट लगाएंगे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में यदि आप बाथरूम बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से इंडियन और यूरोपियन दोनों सीट का उपयोग करिए। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप इंडियन सीट का उपयोग करिए, और यदि आपके घुटने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है या फिर आपका मोटापा बढ़ गया है तो सबसे पहले मोटापा कम करिए, लेकिन जब तक मोटापा कम नहीं हो रहा है तब तक आप वेस्टर्न टॉयलेट सीट का उपयोग करिए, नहीं तो आपके घुटने पर ज़्यादा जोर जाएगा और आपके मोटापे की वजह से आपका सारा का सारा घुटना भी बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई साहब आपको कौन सी सीट का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।